कैनरा बैंक बैन से बाहर आया। तो जो मैं कल जो मैं सेटअप में बोल रहा था कि ये बैन से बाहर कोई स्टॉक नहीं आया, वो गलती हुई है, कैनरा बैंक बैन से बाहर आया है। और कैनरा बैंक में कल एडजस्टमेंट भी हुई थी वो स्प्लिट वाली, तो बहुत शानदार तेज़ी में था ऑलरेडी कल स्टॉक, और अब बैन से ही बाहर आया। तो इसको खैर आप चेज ना करें क्योंकि बैन से बाहर लेकिन ये थोड़ा सा एक स्टॉक का रेडार पर रहने वाला है आज। हाँ, ये दो दिन में मेगा 8-10% चढ़ गया है। पहले एक्स होने से पहले चला था और कल एक्स होने के बाद भी बढ़िया मूव डिलीवर कर गया है। खैर इसमें तो एक कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट था। खैर अब आज के टॉप कॉल्स को क्विकली रैप अप कर देता हूँ, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग खबरें और रिजल्ट्स पे अपन को चर्चा करनी है। गाबा सर ने भारतीय एयरटेल बढ़िया तेजी पर है, वो अपमूव बहुत लाइकली है कंटिन्यूड रहेंगे। कल कमेंट्री भी मैनेजमेंट की अच्छी है, 1295 के स्टॉप के साथ 1350 के लक्ष्य। एक हैवी वेट पिछले दो दिनों से बाजार की बहुत मदद कर रहा है निफ्टी की, खासतौर पर लार्सन एंड टूब्रो। ये करेक्ट हुआ था 3850 के लेवल से, अब चलना शुरू हुआ है। रचना जी कह रही है और चलेगा, 3400 का लगाइए स्टॉप, 3450 3470 के लक्ष्य। ओएमसी रडार पे आज, मानस कह रहे हैं बीपीसीएल, कल जाते जाते वाकई एकदम से बहुत तगड़ा स्पाइक आया था और लग रहा है ये तेजी और बढ़ेगी। 614 का स्टॉप है, 645 के लक्ष्य हैं कैश में, चाहे तो 630 का कॉल खरीद सकते हैं। आरईसी बहती साहब के रडार पे, खरीदने का मन, 520 के स्टॉप के साथ 540 550 के टारगेट्स। ना सिर्फ बीपीसीएल, बीपीसीएल वैसे सत्यपुत्र साहब को भी पसंद आ रहा था, पर दूसरी ओएमसी इन्होंने ले ली वो है एचपीसी। जनरली इन टैंडम साथ में ही मूव भी करते हैं। HPCL 495 के स्टॉप के साथ 540 का लक्ष्य हमारा। सेठ साहब को दिग्गज कोल इंडिया पसंद आ रहा है, 460 का स्टॉप है, 482 के टारगेट्स हैं। और एक मझौली सीमेंट कंपनी दालमिया भारत है गौरांग सर के रडार पे, टारगेट्स हैं 2200 तक के, तो बढ़िया स्तरों पर है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, गिरावट आए तो और एक्यूमुलेट करिए। एग्रेसिव टारगेट्स आपकी सीज पर है, बढ़िया फंडामेंटल्स वाली कंपनी। चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स की चर्चा शुरू करी जाए। अपन ने बढ़िया ट्रेड वेट्स तो ले लिए, हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। पहले एक काम करे जाए, वायदा वाले सारे रिजल्ट्स एक एक करके मैपिंग कर ली जाए और एक्सपर्ट, क्योंकि निफ्टी का कोई नंबर नहीं आना था, जो आना था वो कल आ चुका। वायदा वाले सारे नंबर्स पर चर्चा करनी है। पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर चला जाए और इस पर गावा सर आप चार्ट रेडी रखना, डिक्सन के चार्ट पे आपके पास आता हूं। हर्षदा कैसे लग रहे हैं नंबर्स? नंबर्स परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन थोड़ी सी कैटेगरीज में कुछ प्रेशर बनता दिखाई दिया है, इसीलिए नंबर्स उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। वैसे आप देखेंगे 25% तक का इजाफा देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में, नियरली 99 करोड़ का ये फिगर है। हाउएवर 100 करोड़ के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। रेवेन्यू 52% बढ़कर आया 4658 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें एबिटा में करीब 17% तक का इजाफा देखने को मिला, 183 करोड़ पर यह फिगर है। और मार्जिन ये इन लाइन आए हैं 4% के आसपास। इनके मोबाइल बिजनेस ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा ऑफटेक नजर आ रहा है और अच्छी खासी ऑर्डर बुक पर कंपनी ट्रेड कर भी रही है। नंबर्स दिक्कत ये हो गई, टॉप लाइन मिस था, वो पूरा परकुलेट होता चला गया। अपने आप में टॉप लाइन 50% बढ़ा भाई साहब, लेकिन